हे गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाला है जो पोस्टपे का पे लेटर या फिर आप क्रेडिट लाइन या क्रेडिट कार्ड से जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इसके चार्जेस क्या हैं और आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, देन आप इसे मतलब मेरे को क्रेडिट लिमिट कितना मिला। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल में कवर करने वाला है और इसका अनबॉक्सिंग भी करने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पोस्टपे का जो है लोगो बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एनीवेयर एनीथिंग एनीवेयर बाय नाउ पे लेटर। आप इसे पे लेटर बोल सकते हैं, जैसे कि स्लाइस कार्ड है, यूनिक कार्ड है, जस्ट लाइक दैट। ये एक उसी तरह का क्रेडिट लाइन है या फिर पे लेटर सर्विसेज है। इसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं अभी मैं बाद में बात करने वाला हूँ। पीछे आपका एड्रेस लिखा हुआ रहेगा और मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो है इसके अंदर आपका जो है इस बॉक्स को रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स का जो पैकेजिंग है अच्छा खासा है, क्वालिटी मतलब पैकेजिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और पीछे एक यहाँ पे सील दिया रहता है जिसे आप इसे ऐसे खींचेगा तो आपके इसे का मतलब बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करते हैं, देन यहाँ पे एक इस टाइप का बॉक्स, छोटा सा बॉक्स इसके अंदर रखा जाएगा। मेरे को एकदम फाइव वाला कॉन्सेप्ट लगा, जो कि फाइव के द्वारा जो जैसा फाइव डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग किया था मैंने, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। जस्ट लाइक दैट उसी तरह का पैकेजिंग किया गया है यहाँ पर और इसमें भी सेम सा है, छोटा सा है। और ये एक यहाँ पर लिखा हुआ है SBM बैंक द्वारा इशू किया जाता है स्मार्ट बैंकिंग बाई SBM बैंक, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ नहीं है। और पीछे येलो और ऊपर ब्लैक का कॉम्बिनेशन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। चलिए ये तो पैकेजिंग की बात है, इसको तो एक बार मतलब अनबॉक्स करके हम लोग फेंक ही देते हैं। उसके बाद आप इसे जैसे ही ओपन कीजिएगा तो अंदर में कुछ है देयर करके लिखा रहेगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक QR कोड दिया जाएगा, जो कि मैं इसको हाइड कर देना चाहता हूँ। और इसको आप पोस्टपे एप्लीकेशन से स्कैन करके आप इस कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस QR कोड के भी थ्रू कर सकते हैं या फिर आप पोस्टपे एप्लीकेशन से जाकर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये पोस्टपे का कार्ड इसमें रखा हुआ मिल जाएगा, सिंपल सा रखा गया है, जैसे जस्ट लाइक दैट ऐसे रख दिया गया। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ और कुछ है नहीं, आप इसे देख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं। तो ये रहा पोस्टपे का कार्ड, आप देख सकते हैं सिंपल सा ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और कॉन्टैक्टलेस इसे सपोर्ट कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू आप मतलब बिना कौन स्वाइप किए आप इसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वीजा द्वारा इशू किया जाता है और यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे पीछे आपका पर्सनल डिटेल्स जस्ट लाइक द कार्ड नंबर, CVV और एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहेगा। कार्ड की क्वालिटी मैं कहूँ तो ठीक ठाक है, इतना कोई अच्छा क्वालिटी आप इसे बोल सकते हैं। आप इसे मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखा देना चाहता हूँ, कार्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मतलब आप ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाला है। तो अब रही बात कि मेरे को क्रेडिट लिमिट कितना मिला और इसके चार्जेज के बारे में। तो जो इसका चार्जेज है, ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट लाइन है या फिर क्रेडिट कार्ड है, इसका कोई चार्जेज नहीं है। और रही बात मेरे को कितना क्रेडिट कार्ड मिला, क्रेडिट लिमिट मिला, तो मेरे को लगभग 30,000 का क्रेडिट लिमिट मिला है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसका जो है बिल पे कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं देन आप मतलब उस भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा कि कैसे आप इस कार्ड का जो है बिल पेमेंट कर सकते हैं। अब रही बात कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और आपके 7 से 8 दिन के अंदर आपके घर में ये जो कार्ड है इशू कर दिया जाएगा, मतलब सेंड कर दिया जाएगा। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या आप इस कार्ड को अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।